हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मनज़ा। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आई नो मैं बहुत कम पोस्ट करती हूँ। उसकी रीज़न भी यही है कि अब बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अभी मैं ऑफिस में हूँ। एक स्टूडेंट आ गया है क्योंकि आज आई थिंक कोई असाइनमेंट की डेडलाइन है, तो वो बच्चे आ रहे हैं सबमिट कराने। तो अब मैं सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि सप्लीमेंट्स की वजह से मेरी हेल्थ थोड़ी बेटर रहती है एंड आई एम एबल टू वर्क। और काम अब मैंने आपको जैसे बताया वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं चाहती नहीं हूँ कि वर्क प्लेस का काम इफेक्ट हो, तो मैं अपनी ब्लॉगिंग थोड़ी लिमिटेड कर दी है। और इसके अलावा मेरा ब्लॉग तो है ही, तो उसको तो मैं बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि वो उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। तो खैर, इसके बाद आज के दिन में एक मूवी डे है, तो उसके लिए मैं चली गई हूँ मूवी देखने। ये कोई पंजाबी मूवी लगी हुई है और मेरी दोस्त बता रही थी कि ये काफी अच्छी मूवी है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी देख के उठ गई। एक तो मुझे क्योंकि एक ट्यूटोरियल देना था उसके लिए, और दूसरा पूरा दिन हमने क्लासेस वगैरह ली थी तो मैं बहुत थक गई थी। और ऑब्वियसली जब मूवी डेज वगैरह होते हैं तो बहुत लाउड मतलब वो साउंड होती है, तो मेरा सर में बहुत लग रही थी, तो मैं वैसे ही थोड़े पहले भी उठ गई। अच्छा जी, तो मैं मूवी छोड़ के यहाँ आ गई हूँ इसलिए कि मुझे एक ट्यूटोरियल लेना है, लेकिन मैं जल्दी से अपने वॉशरूम में हाथ धोने आई हूँ। वीडियो में आई थिंक मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे मेकअप यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जो हमारी बिल्डिंग, ये मैं दूसरी बिल्डिंग में आई हूँ, हमारी बिल्डिंग का जो वॉशरूम है ना, वहाँ मेकअप बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं अब ये वाला सही है वो वाला। खैर, आई एम गोइंग। तो ट्यूटोरियल सिर्फ 1 आवर का ही था, तो उसके बाद जो है उसके बाद एक और भी मैंने 1/2 आवर का था ट्यूटोरियल, लेकिन उन दोनों के बीच में मैंने अपनी सोचा कि अपनी दोस्त को लेके, ये ढाबे के करीब एक जगह है, मतलब यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर कैफे है और फिर ये ढाबा भी है। तो अभी आजकल मौसम कुछ हल्का सा बेहतर है, तो फिर मैं मतलब वहां चली गई। यहाँ पे देखिए स्पॉट जो है मुझे इतना अच्छा लगता है, दरख्तों के नीचे ठंडी ठंडी हवा। और फिर हम दोनों डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी बातें। हम लोग जो कह रहे थे कि हम लोगों का आज डिनर, मतलब डिनर है, फैकल्टी डिनर है, तो वो कुछ टीचर्स हैं वो एक ट्रीट दे रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि उनकी आई थिंक प्रमोशंस हुई हैं इस वजह से। तो वो मुझे बता रही थी कि किस तरह पूरा रोड ब्लॉक है और हम लोगों को जाते हुए कितना टाइम लग जाएगा। और अब स्प्रिंग सा टाइम है, स्प्रिंग का, तो इतने अच्छे फ्लावर भी सारे, बहुत अच्छे कलरफुल फ्लावर्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, तो वैसे घूम फिर के मजा आता है। लेकिन ऑब्वियसली फटीक इतनी हो जाती है कि फिर वो कोशिश करते हैं कि इतना बाहर भी ना जाएं, तो इस वजह से। तो बस यूं ही हमने गप्पे शप्पे लगाई, फिर उसके बाद यही था कि मैंने वो एक 1/2 आवर वाला भी ट्यूटोरियल देना था, तो बातें शाते करके फिर हम उसके उधर चले गए। फिर उस ट्यूटोरियल के बाद जी हम ये इस वैन में जा रहे हैं। इस वैन में हम सब मिलके उस रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ पे ट्रीट है, तो बहुत लंबा रास्ता है, रास्ते में बहुत ही नहरें ये सब कुछ हैं, गप्पे वगैरह भी सब लगा रहे थे, तो बहुत मजा आया। रास्ते का भी अपना एक मजा था, हम फैकल्टी इतना ज्यादा मिलके बाहर जाते नहीं है, तो दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ हम पहुंच गए कोहिनूर, फैसलाबाद का डाउनटाउन है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स, प्लाजाज, मॉल्स वगैरह हैं, तो ये एक फास्ट फूड प्लेस है, काफी फेमस है, काफी रीजनेबल प्राइसेस हैं यहाँ पे। तो जिन फैकल्टी मेंबर्स ने हमें ट्रीट दी थी उन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली सारी चीजें सेटल वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा हाथ वगैरह भी धोएं, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएं, तो हम फिर यहाँ वॉशरूम में आ गए। और हम जहाँ पे भी थोड़े से अकेले होते हैं फिर हम गप्पे शप्पे लगाना शुरू कर देते हैं,
हम ये भी याद कर रहे थे कि पहले हम फ्रेंड्स जो हैं वो काफी आते थे इस रेस्टोरेंट में, तो अब इतना नहीं जाते, अब इतना और ही बस लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो मेरी फ्रेंड की घर से कॉल भी आ रही थी काफी, मतलब जैसे हम लोगों की भी कार थी क्योंकि हम मॉर्निंग से आए हुए थे ना यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ वहां पे कोई बर्थडे कर रहा था, हमने वही जगह चूज कर ली कि वहां हम सेटल डाउन होंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसी भी फैकल्टी थी जो अपने बेबीज लाई हुई थी, तो बच्चे तो वैसे इस तरह की जगहों पे बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर हम ये सारी फीमेल फैकल्टी और मेल फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे, ये एक जो सेक्शन था ना ये काफी लार्ज था, तो यहाँ पे फिर हम सारे सेट हो गए क्योंकि हमें लगा यहाँ हम सही बातें वगैरह भी कर सकेंगे, फूड भी इंजॉय कर सकेंगे। तो अभी फूड आने में टाइम है, फिर उसके बाद जब फूड आना था तो हमने सैलेड्स भी ऑर्डर किए थे, फिर ये था कि कौन अच्छा सा उसको ना अरेंज करता है, वो भी कॉम्पिटिशन सा था, तो मुझे तो इतना नहीं है आइडिया उसके अरेंज करने का सैलेड्स वगैरह। फिर हम दोनों अगेन जहाँ पे बैठे हूँ बातें शातें मेरी दोस्त और मैं कर रहे, तो बस अभी फूड आने का इंतजार है। अच्छा बाय द वे इस जगह का नाम फोक्स एंड नाइट है, तो यहाँ पे हमने दो पिज्जा फ्लेवर मेनली मंगवाए थे, एक स्पेशल पिज्जा जो इस जगह का होता है वो बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट भी बहुत स्पेशल था, लेकिन एक और फ्लेवर मंगवाया था सिसिलियन, तो वो मुझे तो बिल्कुल भी मजे का नहीं लगा, इवन बिल्कुल मैंने उसका एक स्मॉल सा पीस लिया तो मुझे उस इतने स्मॉल से पीस का भी टेस्ट इतना मजे का नहीं लगा, तो वो तो फिर मैंने छोड़ दिया। और हम फीमेल फैकल्टी ने तो मैंने तो फिर भी थोड़ा ज्यादा खाया, बाकी सबने तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं खाया, तो हमने फिर ये ग्रुप फोटोज वगैरह बनाई, मैंने सोचा कि ग्रुप वीडियो बनवा लूं, वहां पे जो वेटर था उससे ही मैंने कहा कि वीडियो बना दें, तो बस फिर उसने जैसी वेटर बना सकता था उसने वैसी बनाई। फिर सबने कहा कि चलें टी भी पीते हैं, यहाँ पे एक जगह है आई थिंक चाय खाना या आई डोंट नो उस जगह का नाम क्या है, तो फिर हम सारे बाय वॉक ही वहां चले गए, गाड़ी तो थी यूनिवर्सिटी वाली हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन हमने सोचा बाय वॉक जाते हैं क्योंकि वो बहुत करीब जगह है जहाँ पे चाय वगैरह मिलती है, तो मैं चाय लवर हूँ जैसे बस वन कप अ डे हो वो भी जागने के लिए, लेकिन इन सबको ज्यादातर जो मेरे साथ कोलीग्स फीमेल्स और मेल्स थे इनको बहुत सी चाय की टाइप्स भी पता थी, पता नहीं कौन कौन सी टाइप्स थी, तो ये सब तो वो कहते। फिर ये मेरे साथ एक फीमेल फैकल्टी है उनका बेटा है बहुत प्यारा सा, आई थिंक इसका नाम मूसा है, तो इसको ये सब लोग इसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनके जितने भी बच्चे हैं ना मेरी कोलीग के वो बड़े हैप्पी किड्स हैं, तो उनके साथ सभी फिर बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब हम चल के जाने लग गए, हम आई थिंक किसी का वेट भी कर रहे हैं एक फैकल्टी मेंबर का, और उसके बाद जो है ना हम सारे अभी चल के जाएंगे। और ये पूरा जो एरिया है इसे कोहिनूर कहते हैं फैसलाबाद में, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये डाउनटाउन टाइप है, बहुत रश होता है, देर से बंद होता है, और वैसे ही है कि फैसलाबाद में दो तीन स्पॉट्स ऐसे हैं जो ज्यादा इस तरह के हैं, बहुत ही रौनक वहां होती है, लेकिन ये मेन काइंड ऑफ जगह है सिटी की, तो अब हम जाते हैं उधर। अच्छा तो ये हम अब पहुंच गए उस चाय खाना वाली जगह पे जिसका बड़ा ट्रेडिशनल सा डिकोर है, यहाँ पे जो पंजाबी फिल्म है उनकी पिक्चर्स मतलब पेंटेड हैं, और बहुत ही होमली सा एनवायरनमेंट था। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इस जगह पे पहले कभी भी नहीं आई, और मुझे मतलब मोर ऑल एस अच्छा लगा, आई वुड से लाइक 7 out of 10 वाली फील थी यहाँ पे, लेकिन मैं इतनी थक गई थी क्योंकि 8:45 से हम यूनिवर्सिटी गए थे और अब आई थिंक 10:10 हो चुके हैं या 10:15, तो मैं जब थक जाती हूँ फिर मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती बोलने की भी बात करने की भी, तो मैं बहुत मुश्किल से खड़ी भी थी और थोड़ा सा मैं मूड ऑफ हो गया फॉर नो रीजन, ऐसा नहीं कुछ हुआ हो बस थक गए। फिर हम गाड़ी में बैठे, अब हम वापस जाने लगे हैं,
तो आज का व्लॉग यही था। जैसे मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि अब मैं इतनी व्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ, मतलब व्लॉगिंग करना तो इतना मुश्किल नहीं है, एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और फिर मेरी हेल्थ जो है इससे इफेक्ट होती है। तो होपफुली मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूं। एंड जस्ट स्टे विद मी एंड स्टे ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।